से लग रहा है कि कुछ और लोगों की जान जरूर बचा ली जाएगी और सुरक्षित लोगों को बाहर निकाल लिया जाएगा रेस्क्यू ऑपरेशन में, लेकिन रेस्क्यू ऑपरेशन करना भी काफी मुश्किल हो रहा है। इसके लिए पूरी सेना को बुलाया गया है, उनकी हेल्प ली जा रही है इस काम में। सीधी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जम्मू कश्मीर की, जहां पर बाढ़ की वजह से लोगों की दिक्कतें और बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। इसी के दौरे के लिए आज श्रीनगर पहुंच गए हैं गृहमंत्री राजनाथ सिंह। पंकज हमारे संवाददाता हमसे बात करेंगे इस खबर पर। पंकज, जिस तरह से हम देख रहे हैं कि बहुत मुसीबतों का सामना करना पड़ रहा है लोगों को, इंजीनियर्स का कुछ कहना है और संपर्क भी ठीक से नहीं हो पा रहा है, अभी गृहमंत्री राजनाथ सिंह वहां पहुंचे हैं तो क्या जानकारी मिल पा रही है, क्या अपडेट अभी? पंकज आप हमें सुन पा रहे हैं? खैर, पंकज से हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा है। इसी के साथ एक बार फिर आपको बता दें कि राहत बचाव की टीमें यहां पर जुटी हुई है जम्मू कश्मीर में, जहां पर भारी बारिश की वजह से 90 लोग अपनी जान गंवा चुके हैं और कई लोग अपनी जिंदगियों से जूझ रहे हैं। जिंदगी और मौत का खेल यहां पर चल रहा है। बाढ़ का पानी जो है वो सभी इलाकों में घुस गया है ऑलमोस्ट, और यहाँ पर लोगों को बहुत सी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। बचाव के काम में भी दिक्कतें आ रही हैं, सेना की मदद ली गई है और इस वक्त इन तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि टापू पर किस तरह से ये परिवार के जन फंसे हैं। उसमें एक बच्चा भी था जिसे सुरक्षित रेस्क्यू टीम के जरिए, ऑपरेशन के जरिए बाहर निकाल लिया गया, लेकिन फिर भी बहुत सी मुसीबतों का सामना इन लोगों को करना पड़ रहा है। आपको बता दें कि उधमपुरा कटरा जाने का जो रास्ता है बीच का, वो भी बंद कर दिया गया है। श्रीनगर का वन बी हाईवे भी जो पहले ही बंद कर दिया गया था, और कई पुल भी बंद कर दिए गए हैं। श्रीनगर का दौरा करने के लिए गृहमंत्री राजनाथ सिंह बाढ़ग्रस्त इलाकों का हवाई सर्वे करने के लिए श्रीनगर इस वक्त पहुंच चुके हैं। इस वक्त की बड़ी खबर, इस वक्त की एक और बड़ी खबर आपको बता दें, रामनगर में श्री शक्ति एक्सप्रेस भी फंसी हुई है। उधमपुरा कटरा रेल ट्रैक भी बंद कर दिया गया है। पिछले 8 घंटों से ये ट्रेन यहां पर फंसी हुई है। भारी बारिश के चलते यहां पर 90 लोग अपनी जान गंवा चुके हैं और लोग जिंदगी और मौत से जूझ रहे हैं। रेस्क्यू टीम जो है वो अपने काम में जुटी हुई है, राहत बचाव की टीमें, उसमें भी उन्हें काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है और लोगों को कई सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया है, लेकिन फिर भी सेना की मदद ली गई है। रामनगर में जो ये शक्ति एक्सप्रेस फंसी हुई है और उधमपुरा कटरा के रेल ट्रैक पर ये फंसी हुई है, आपको बता दें क्योंकि उधमपुरा कटरा का जो रेल ट्रैक है उसे बंद कर दिया गया है। पिछले 8 घंटे से ट्रेन फंसी हुई है, यात्रियों को इसमें से सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया है। 5:30 बजे से यहाँ पर रुकी हुई है गाड़ी, बता रहे हैं आगे ट्रैक के ऊपर पानी 3-3 फुट पानी निकल के जा रहा है। बादल, बारिश बहुत तेज हो रही है और बादल फटे, लैंडस्लाइडिंग हुई है और कह रहे हैं कम से कम अभी 2-3 घंटे और रुकेगी। और श्री शक्ति एक्सप्रेस पहाड़ी इलाका है, लैंडस्लाइड की वजह से काफी तबाही हुई है, जिस वजह से श्री शक्ति एक्सप्रेस को बीच रास्ते में ही रोकना पड़ा क्योंकि उधमपुरा और जो कटरा है उसके रेल ट्रैक को बंद करना पड़ा। यात्री जो उसमें थे उन्हें सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया रेस्क्यू टीम के जरिए, ये एक अच्छी बात है, लेकिन बीच बीच रास्ते में 8 घंटे से ट्रेन फंसी हुई है। पिछले 6 सालों से लेकर अब तक अगर बात की जाए तो ये पहला मौका है जब इतनी भारी तबाही जम्मू कश्मीर में देखी गई हो। दिक्कत हो रही है, बच्चों के साथ भी दिक्कत हो रही है, अपने आप ही इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं कि ऐसे हो रहा है, लैंडस्लाइड हो गया है, पेड़ गिर गया, पूछने पे बता रहे हैं। 4-5 घंटे हो गए हैं, बहुत परेशानी हो रही है। 3 बजे के बाद तो ट्रेन चली ही नहीं है ढंग से। दिक्कत हो रही है, बच्चों के साथ भी दिक्कत हो रही है, अपने आप ही। तो जो लोग अपने बच्चों के साथ हैं उन्हें खास तौर से परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। पिछले 4-5 घंटे से जिस तरह से आपने सुना एक महिला की बातचीत में कि उन्होंने कहा कि पिछले 4-5 घंटों से उन्हें बेहद मुश्किल दौर का सामना करना पड़ रहा है, और साथ में और भी लोगों का कहना है कि काफ़ी देर से उन्हें इस मुसीबत का सामना करना पड़ रहा है। और आपको बता दें कि 8 घंटे से ये ट्रेन यहां पर फंसी हुई है क्योंकि रेलवे ट्रैक को बंद कर दिया गया है। उधमपुर कटरा जाने का जो रास्ता है बीच में जो रेल ट्रैक पड़ता है उसे बंद किया गया है, कई पुलों को भी बंद किया गया, और 6 सालों में अब तक ये सबसे भारी तबाही जम्मू कश्मीर में मानी जा रही है। लगातार बारिश हो रही है, लगातार तबाही का ये तस्वीरें देखने को मिल रही हैं और जो लोग हैं उन्हें खास तौर से परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है बाढ़ के पानी की वजह से। जम्मू कश्मीर में पिछले 4 दिनों से भारी बारिश के चलते जो है पूरी तरह से जम्मू कश्मीर इस समय जलमग्न हो चुका है
आपको नजारा दिखाना चाहूंगा। मैं इस समय जम्मू की तवी नदी के पास खड़ा हूं। तवी नदी का जलस्तर जो है ये खतरे के निशान से ऊपर जा चुका है। वहीं अगर जम्मू की जो है चिनाब दरिया का बात की जाए उसका जलस्तर जो है वो भी खतरे के निशान से ऊपर है। वहीं कश्मीर में जो जेलम दरिया का जो पानी है वो भी जो है खतरे के निशान से ऊपर जा चुका है। वहीं अगर जम्मू कश्मीर की बात की जाए अभी तक जो है करीब 70 लोग जो है वो जिनकी मौत हो चुकी है। आइए हमारे साथ जो है चीफ इंजीनियर है जो पीएचई के इनसे बातचीत करते हैं। सर आपसे जानना चाहूंगा अभी क्या स्थिति है? अभी स्थिति ये है कि यहाँ जो वाटर लेवल है वो 30 फीट हो गया है। उसका डिस्चार्ज है 4,03,000 क्यूसेक्स है। जो गेज है ये जो मैक्सिमम जो गेज थी 82 में 88 में थी वो थी 30 फीट और डिस्चार्ज था 4। बड़ा खतरा अभी पैदा हुआ है? अभी बहुत ज्यादा खतरा है। जो हमारे प्रोटेक्शन वर्क्स थे वो सारे डैमेज हो गए हैं और लोगों जो लो लाइंग एरियाज में लोग हैं उनको इवैक्यूएट करवा दिया है। बाकी जो अनऑथोराइज जो कंस्ट्रक्शन हुई है अलॉन्ग द बैंक्स हुई है वो फुली डैमेज हो गई है। अलर्ट जारी किया है। अलर्ट हमारा लेवल है 17 फीट। इस टाइम गेज जा रही है 30 फीट और ज्यादा बढ़ सकता है और डैमेजेस हो सकते हैं। सुन सकते हैं चीफ इंजीनियर को जिनकी खुद जो है इस समय प्रशासन की नींद उड़ी हुई। आपको बता दें एनडीआरएफ की टीमें जो है वो जम्मू कश्मीर पहुंची है। सेना को बुलाया गया है, जो स्थानीय प्रशासन उसको बुलाया गया है। कुल मिलाकर अगर बात की जाए जम्मू कश्मीर में इस समय जो है बारिश, भूस्खलन और नदियां नाले इस कदर उफान पे है कि हाहाकार मचा हुआ है। तबाही जो है काफी ज्यादा तबाही हो चुकी है। जम्मू श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग जो है वो 2 दिनों से बंद है। सैकड़ों की तादाद में वाहन फंसे हैं, यात्री फंसे हैं। माता वैष्णो देवी दरबार की बात की जाए यात्रा बंद है। श्रद्धालु 20,000 की करीब जो है भवन में फंसे हुए हैं। तो कुल मिलाकर अगर बात की जाए तो तबाही का मंजर जो है जम्मू कश्मीर में इस कदर है कि हाहाकार मचा हुआ है। पंकज शर्मा, न्यूज एक्सप्रेस, जम्मू। तो जिस तरह से बताया गया कि यात्रियों को भी खासी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। जो लोग कटरा पहुंचे हुए हैं वो दर्शन नहीं कर पा रहे हैं माता वैष्णो देवी के, क्योंकि दर्शनों पर अभी रोक लगा दी गई है इस लैंडस्लाइड के चलते कि और तबाही ना हो जाए। इसकी वजह से यात्रियों को नीचे ही रुकने के लिए कहा गया है, उन्हें दर्शन करने से मनाई की गई है। बहुत हाहाकार मचा हुआ है यहाँ पर, भूस्खलन की वजह से, तेज बारिश की वजह से, भारी बारिश की वजह से सभी अस्त व्यस्त हो चुके हैं और लोगों को खासी परेशानियों का सामना। इस वक्त गृहमंत्री श्रीनगर पहुंच चुके हैं राजनाथ सिंह इस जगह का दौरा करने के लिए। बीच में ही आप देख सकते हैं ट्रेन श्री शक्ति एक्सप्रेस को रोका गया क्योंकि रेलवे ट्रैक को भी बारिश की वजह से बंद करना पड़ा और बीच रास्ते में यात्रियों को ट्रेन से उतारना पड़ा। यात्रियों को तो सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया लेकिन फिर भी उन यात्रियों को जो खास तौर से अपने बच्चों के साथ सफर कर रहे थे उन्हें खासी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। बहुत सारी दिक्कतें एक साथ भारी बारिश की वजह से। तो लोग रास्ते में फंसे हुए हैं, खास तौर से बहुत सारी परेशानियों का सामना इस भारी बारिश की वजह से जम्मू कश्मीर के कई इलाकों में उन्हें करना पड़ रहा है। फिलहाल यहां पर रुकेंगे एक ब्रेक के लिए, जल्द लौटते हैं, कहीं मत जाइए।